शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हर सियासी जमात कवर कस चुकी है। जम्मू में बंदवार को जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की थी, वहीं आज जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रभारी तरुण चुग और सह प्रभारी आशीष सूद सहित पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अपडेट लेंगे। पहले आपको ये बताएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक जम्मू में होने जा रही है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जो है वो उपस्थित रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में किस तरह के मुद्दे निकलकर सामने आएंगे। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा विकास हुआ है, उसके वही मुद्दे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें भी रहेंगे। पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, लोकसभा के चुनाव जो है वो काफी नजदीक है, इसको लेकर बीजेपी की आज काफी अहम बैठक जो है वो जम्मू में हो रही है, होने वाली है, जिसको लेकर कई बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कौन कौन शीर्ष नेतृत्व के रूप में वहां पर पहुंचेगा और किस तरह के मुद्दे जो है वो बीजेपी के इन चुनाव को लेकर सामने रहेंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सह प्रभारी आशीष सूद और बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मौजूद थे लगातार तमाम बीजेपी में जो जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसमें मौजूद है और बड़े ही इस समय मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो है जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ है उन्हीं को सामने रखते हुए जो है वो जम्मू कश्मीर में जनता के सामने उतरेंगे और जम्मू कश्मीर के जो लोकसभा चुनाव होंगे तो अभी तक तय तो हुए नहीं है, मगर उससे पहले की तैयारियां चाहे वो कांग्रेस के चाहे वो नेशनल फोर्स के चाहे वो बीजेपी के या फिर भाजपा की बात करते हैं तो अपनी पैठ बनाते हुए नजर आते। बिल्कुल अनिल, बीजेपी कह रही है कि हमने जितना विकास पिछले कुछ सालों में किया है हम उन्हीं के मुद्दों पर आगे चलेंगे। यहां पर शांति हुई है, शांति बहाल हुई है, उसके बाद काफी सारा विकास भी हुआ है और उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी के सामने लोकसभा के चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर कोई चुनौती नहीं है, ये चुनाव जो है वो बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी जो यहां पर विकास कार्य हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर है कि जो विकास कार्य यहाँ पर हुई है इनकी 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो शांति यहाँ पर बनी है या फिर हाई स्कीम का लाभ जो है जनता पर मिला है तो उन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि वो जनता के बीच में जाएंगे। इस बीच भी आप ये देख रहे हैं कि कई सारे कार्यक्रम जो है भाजपा के चल रहे हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर हो या फिर जन स्तर पर हो या फिर आने वाले समय में गांव चलाओ अभियान जो है वो भी 21 जनवरी से जो है शुरुआत होने वाली है तो तमाम बीजेपी लीडर जो है गांव गांव घर घर हर एक व्यक्ति के प्रत्येक नागरिक तक जो है वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक वो लाभ वो हर एक जो लाभ जिस व्यक्ति तक नहीं मिल पाया है तो उनको भी लाभ पहुंचाकर जो है उनका जो संरक्षण है उनको जरूर करेंगे। बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक से क्या आने वाले समय के लिए कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, कोई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं जिसपे आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है जम्मू कश्मीर के हित के लिए? देखिए, निश्चित तौर है एक बड़े स्तर पर जो है इस बैठक में जो है कई सारे बातें निकल कर नजर आएंगी, जो अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर रोड मैप पर तमाम जो जम्मू कश्मीर का शीर्ष नेतृत्व है वो जनता के बीच में जाएगा और जनता को भी अवगत करवाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआती तौर पे कहा कि भाजपा जो है जिन्होंने ये साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में अपना चैन लाएंगे, शांति लाएंगे, विकास के कार्य करेंगे तो उनको मद्देनजर रखते हुए और अन्य जो रोड मैप आज तैयार किया जाएगा उसी स्तर पर जो है जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व है वो जमीनी सतह पर उतरे। बिल्कुल अनिल, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जोरों शोरों से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक उनका जो लाभ है उसको लेकर जागरूक कर रही है, लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कर रही है। क्या आपको लगता है
ये जो अभियान लगातार बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर या बाकी अन्य राज्यों के अंदर चलाए जा रहे हैं, इन अभियानों के जरिए बीजेपी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता जो है वो और भी आसान कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर है कि इन जिस तरह से जो लाभ योजनाएं की बात करते हैं तो जिस तरह से वो हर एक जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ये रोड मैप ही है जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि अंतिम पंक्ति तक अगर हम बात करते हैं जो व्यक्ति है उस तक ये लाभ मिलना चाहिए, तो उसी का एक हम ये कह सकते हैं कि नतीजा है जो जमीनी सतह पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जनता भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आई है और कई जगहों की बात करते हैं तो जिसको लेकर जो लाभ नहीं मिल पाए हैं तो आने वाले समय में गांव चलो अभियान में वो भी लाभ जो है जनता तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी।